आगे को रास्ता यही है भैया, और ये दीवार लगा दी उन्होंने। देखने सुनने वाला कोई है नहीं, न कानून देखता है। जिसके पास पैसा होता है कानून उसी की तरफ को बातें करते हैं। बड़े बड़े विभाग के कर्मचारी हैं, बस खा लिया पी लिया और उन्हीं की तरफ की बातें कर दी। और ये नीचे को सारा इन्होंने प्लॉट, ये प्लॉट को अपने अंडर कर लिया। इसमें काफ़ी घास भूस हो जाता है, पेड़ पौधे हैं, जानवर पालने के लिए उनके तो मज़े हो गए। लोगों को इतनी आफत है, इसमें कई बार गांव वालों के जानवर गिर गए, लुढ़क गए, मर गए, और तब जाके अब आया ये थोड़ी यहाँ से। पहले ऐसी रास्ता था सीधा एकदम प्लेन, और उन्होंने ये प्लॉट अपने अंडर कर लिया। इस प्लॉट की कोई, ये जहाँ से नदी दिखाई दे रही है वहाँ से प्लास्टिक का एक छोटा सा पतला पेड़ दिखाई दे रहा है। इधर से ऐसे ऐसे करीब करीब से ऐसे आगे को बढ़ता था ये रोड सीधे, और ये प्लॉट है। और पुराना जो रास्ता था ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है मोटा, फिर उसके बाद एक दो पेड़ साथ में है, उसके बाद ये तीसरा नंबर का जो पेड़ अब दिख रहा है चीड़ का है ये, और इसके बगल से एक पुराना सा मकान की दीवार व्यवहार दिख रही है, वो ध्वस्त हो चुकी है, वो मकान दिख रहा है नीचे, और रास्ता इधर को आता था, और इतना ये यहाँ तक दीवार लगा दी, रास्ता ख़राब कर दिया, और ये पेड़ सुखा दिए, चीड़ के पेड़ हैं ये सुखा दिए, सूख रहे हैं एक एक दो दो करके, दो पेड़ साथ ही सूखे हैं, सुखा दिए गए हैं, और ये घास अपना इकट्ठा कर रखा है, कुछ काट लिया है, अभी बहुत काटना पड़ेगा। पुराना रास्ता यहाँ से आता था हमारा, ऐसे 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 नीचे वो पेड़ दिख रहा है जो वहाँ तक, फिर उसके बाद इन्होंने इधर को सारा अपना बना दिया, आधा उत्तराखंड इन्होंने अपने अंडर कर दिया, और कोई देखने सुनने वाला है नहीं। हम लोगों को परेशानी होती है, हमारी कौन सुनेगा, हमारी फरियाद तो ऊपर वाला भी नहीं सुन रहा है अब, क्योंकि कलयुग आ गया ना, कलयुग में कलाकार लोगों की ही सुन रहे हैं सब। जंगल का रास्ता है ये, रास्ता हम लोगों का रास्ता है, और इसमें काफ़ी ढेर सारे पत्थरें और झाड़ियाँ हुई हैं, इसको हमारा निर्वाह इसी से होता है, इसी रास्ते से चलते हैं हम, यही हमारा रास्ता है। जितना हो सकता है हम पत्थर वत्थर साइड करते रहते हैं, और यहाँ पर आने से एक ये कालीगाड़ बोलते हैं, यहाँ का नाम कालीगाड़ नाम है। इसमें एक नाला आता है, बहुत सारा पानी है इसमें अभी भी, और एक फैमिली यहाँ पर भी, परिवार यहाँ पर भी रहती है। यहाँ से पार हड़बाड़ का नज़ारा है, और ये मल्ली हड़बाड़ दिखाई दे रहा है सामने, ये वाला पोर्शन हड़बाड़ की है, इसके ऊपर ठीक
यहाँ बच्ची गांव है इस टापू के उस साइड को, और यहाँ से ये हमारा यहाँ हिमालय पर्वत हिमालय दिखता है इधर से। अभी तो शायद बादल लगे हैं बहुत ज़्यादा ऊपर को इधर को, और यहाँ पर श्री दलराम जी रहते हैं इस वाले पोर्शन में, इस वाले टापू में वो दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे, यहाँ का नाम मैंने अमरूद बाग रख दिया, इन्होंने हजारों पेड़ अमरूद के लगाए और इतना बड़ा बगीचा बना दिया इन्होंने। सारे गांव वाले बच्चे जितने भी हैं, काफल इधर, अमरूद इधर, अलबखोर इधर, आड़ू इधर, खुमानी इधर, पता नहीं क्या क्या होते छोटे बड़े दाने, सारे दलराम जी ने लगाए थे। कम से कम दलराम जी ने कम से कम कुछ भी नहीं होगा 1000 पौधे लगाए हैं। और वो सामने ये वाले टापू में सामने नियरेस्ट जो नज़दीक में है, इधर वाले जो टापू में दिख रहा है वो एक काफल का वृक्ष है, और वो काफल के वृक्ष से नीचे को ये सारा बाग बना रखा है बगीचा, यहीं बीच में उनका घर है दिखाई दे रहा है एक कोने में इस वाला साइड, और कपड़े हैं उधर वो सुखाने डाल गए हैं। इधर से फिर इधर को हमारे इस घाटी को आ जाता है, ये हमारा सालम को चले जाता है इधर से। अब भैया हम जो है वार साइट पहुंच गए, ये हड़बाड़ का गांव दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर इस वाले टापू में बची गांव पड़ता है। इधर से पांडव स्थल, कौरव स्थल और दणिखेत जाक हड़बाड़ वाली बात है, और ये वार साइट ये पार है, और ये फिर ऐसे आके ये लास्ट इनिंग हो गया, ये फिर दलराम जी का है, ये छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये हमारा ये वार साइट को आ गया। इधर को तकरीबन कमी है, थोड़ी प्लेन जगह है, उतनी अच्छी जगह भी नहीं कह सकते हैं। और ये पिछले बार स्लाइड आया था इधर पर, ये पूरा नीचे को चले गया, ऐसे छोटे 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 बड़े बड़े स्लाइड आते रहते हैं पहाड़ हुआ ये। और इस साल वहाँ आ रहे मैं कावड़ी में भी काफ़ी स्लाइड आ रखा है, दो तीन जगह से काफ़ी डेंजरस हो रखा है, उधर भी ख़तरनाक हो रखा है। यह आ गया असली कालीगाड़ बोलते हैं इसको, पहाड़ी में बोलते हैं इसको कुमाऊनी भाषा में कड़ियाड़ बोलते हैं इसको, कड़ियाड़ का डर लगती है इधर अकेले में। ये वाला नाला है, पूरा नाला है, ये पार साइड है, ये वार साइड है, और ये बीच में जो नाला आ रहा है वहाँ पानी भी दिख रहा है नीचे नाले में। ये कालीगाड़ का नाला है, बहुत चौड़ा नाला है, एक नाला उधर को चले गया ये टॉप तक, दूसरा ये उससे ख़तरनाक जो है ये वाला है, इसके अंदर बिल्कुल धूप भी नहीं जाती है इधर, तो डर लगती है अकेले में। और ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा नाला है, इसकी चौड़ाई यहाँ से ये ऊपर टॉप से ये वाला पूरा ऊपर की एरिया, ये वाली एरिया आती है वो एरिया ऐसे ऐसे ये गया, यहाँ से ये दलराम का मकान जो है यहाँ तक, और इस जगह की चौड़ाई इतनी है ऊपर से, और ये चौड़ाई है, अभी इससे और काफ़ी चौड़ा है वो वाला जो दिखाई दे रहा है, ये पगडंडी नाल ये धार आ रहा है इधर से, ये सारा पानी जो है इसी नाले में आता है, और ये जब अपना भयंकर रूप रखता है तो यहाँ लाहौर नदी को रुक जाना पड़ता है, इसकी इतनी बड़ी ताकत है, और बहुत ख़तरनाक नाला है ये हमने देखा। और इसमें बीच के यहाँ से रास्ता भी था इसमें पहले से पुराना रास्ता, और एक दो बंदे होते हैं तो डर के मारे नहीं जाते हैं जंगली जानवर की वजह से, जैसे सुअर है, जंगली बाघ है, चीता है, और आज से करीब
60 साल पहले की बात है, यहाँ भालू आलू भी आते थे और वो क्या बोलते हैं तेंदुए हो गए और गुलदार हो गया, बाघ हो गया, और क्या बोलते हैं उसको ये भरा सर सॉल बोलते हैं, वो नहीं सुअर बोलते हैं, से ही हो गया सॉल हो गया, काफ़ी घुराड़ कांकड़ चीतल फितल भरा भरा क्या क्या है, सारे जंगली जानवरों का समूह में दिखाई देते हैं ये। और ये हमारा अभी सालम को रास्ता है, ये इस रास्ते से जाएंगे अभी। फॉरेस्ट विभाग ने इसको 2-3 साल पहले वन पट्टी बनाई थी और अब इसमें चढ़ाई नहीं होती है, रोड के तर्ज पर बना दिया था सीधा साधा रास्ता। और पर क्या करते हो, जंगल हुआ चारों तरफ से, यहाँ ये झाड़ियाँ हो जाती है, ये झाड़ियों के बीच बीच ही निकलना पड़ता है ये।